ये दौर भर ना सुख है तो क्या हुआ लाय 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 उम्र का ये दौर भर ना सुख है तो क्या हुआ जाना है किस ओर नहीं मालूम हमें तो क्या हुआ आज माना उलझने हैं पर डगर हम ढूंढ लेंगे आज माना उलझने हैं पर डगर हम ढूंढ लेंगे चल पड़ेंगे जब सफर पर चल पड़ेंगे जब सफर पर मंजिलों को पा ही लेंगे लाय 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 मंजिल किसे नहीं चाहिए और हम सभी को तलाश है उन राहों की जो हमें मंजिल तक ले जा सकती हैं। हमारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है खासतौर से 10वीं और 12वीं के बाद जब हमारे सामने अनगिनत राहें होती हैं और तभी एक दुविधा भी हमारे सामने आती है कि किस राह को चुनें और किस राह को छोड़ें। प्रसिद्ध कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी कविता द रूट नॉट टेकन में भी लिखा है कि मंजिल तक पहुंचने के दो रास्ते हैं और मुझे ये नहीं पता कि कौन सी राह मुझे मंजिल तक ले जाएगी। ये दुविधा आजकल की जनरेशन के सामने काफी आती है और हमारा ये कार्यक्रम आपको रूबरू करवाएगा ऐसी कई राहों से जिन पर चलकर आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं और हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे बहुत से विशेषज्ञों से जो इस कठिन राह पर आपकी मुश्किल आसान करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मीनाक्षी वर्मा। मीनाक्षी जी स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। हम बातचीत शुरू करते हैं करियर की भूल भुलैया से। एक समय था जब बच्चों के पास कुछ गिने चुने विकल्प होते थे और बस उन्हीं की होड़ में वो लगे रहते थे, पर आज समय थोड़ा अलग है और बच्चों के पास बहुत से ऑप्शंस हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कैसे उन्हें पता चले कि वो राह है उनको मंजिल तक ले जाएगी, कौन सी राह वो चुने अपने लिए? देखिए राहें तो बहुत सारी हैं पर मंजिल सबकी एक ही होती है। सबको पहले अपनी मंजिल को डिसाइड करना जरूरी है क्योंकि एक ही मंजिल के लिए राहें बहुत सारी हैं। ऐसा आजकल बिल्कुल हो गया है क्योंकि पहले कुछ ही ऑप्शंस अवेलेबल होते थे, आजकल बहुत सारे करियर्स हैं। दसवीं के बाद या बारहवीं के बाद स्टूडेंट सोचते हैं वो प्रोफेशनल कोर्स करें या ग्रेजुएशन करें, पहले जॉब कर लें या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, इसलिए कंफ्यूजन होना बहुत कॉमन हो गया है। तो आप पहले अपनी मंजिल को डिसाइड करिए। अपनी मंजिल को डिसाइड करने के लिए आपको जानना है कि आप अपने करियर में क्या चाहते हैं। आप पैसे के लिए काम करना चाहते हैं कि आप चैलेंज के लिए काम करना चाहते हैं, या कुछ लोग जो बहुत क्रिएटिव होते हैं जिनको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट होता है वो क्रिएटिविटी के लिए काम करना चाहते हैं। तो आपको देखना है आपको करियर में क्या चाहिए, उसके बेसिस पे आपको अपना गोल बनाना है, अपनी एक मंजिल बनानी है। अगर आपने अपनी मंजिल बना ली तो रास्ते बहुत सारे हैं, उनमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको हॉस्पिटल सेटअप या मेडिकल सेटअप में काम करना पसंद है तो उसके लिए आप या तो MBBS करके जा सकते हैं, या आप डेंटिस्ट बन सकते हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट या एज अ नर्स भी काम कर सकते हैं। तो पहले अपनी मंजिल को पहचानिए और उसके बाद रास्ते को चुनिए। हमने बहुत से बच्चों से बात की, हम स्कूल में गए और हमने काफी बच्चों से बात की और करियर को लेकर एक कंफ्यूजन है। बिल्कुल कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो लोग खुद नहीं बन पाते, वो चाहते हैं हमारा बच्चा बने। ये मेरी लाइफ है, क्या मैं बनना चाहती हूँ वो मैं बनूंगी। आजकल के पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बस यही। अपनी एबिलिटी तो देखनी पड़ती है। पेरेंट्स को पता है मेरा बच्चा इतना कर सकता है, पर बच्चा जानपुर की अपने आप को नीचे करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मैं ऊपर की चीज लूं, वो चाहता है मैं अपने से नीचे लूं। तभी पेरेंट्स बच्चों को फोर्स करते हैं तुम जाओ उसमें। क्यों मेरी पेरेंट्स चाहता है कि मैं वो ना कर पाऊँ? तो मेरे कैरियर के बारे में मेरे पेरेंट्स से मेरी आज तक कोई डिस्कशन नहीं हुई। पेरेंट्स इतने ज्यादा भी मतलब एजुकेटेड नहीं है जो मुझे गाइड कर सके। वो तो कहते हैं ये अपना करियर खुद चूज करो। मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ। मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। समझ नहीं आता, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। देखिए करियर चुनाव करना एक प्लानिंग की तरह होता है। हम में से बहुत से लोग बहुत सी चीजों की प्लानिंग करते हैं पर करियर की प्लानिंग हमने कभी नहीं करी।
तो करियर को भी अगर आप सही स्टेज पर यानी कि 9th या 10th क्लास से शुरुआत करके प्लान करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपका करियर सक्सेसफुल होगा। पहला जो कि स्टेप हम कहते हैं करियर्स में होता है, आपको जानना जरूरी है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप में ऐसा क्या अच्छा है जिससे कि आप करियर बना सकते हैं। हर इंसान में कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होता है, आपको अपना वही पॉजिटिव यानी कि आपको अपनी एबिलिटीज, अपने इंटरेस्ट और पर्सनालिटी को पहचानना है और उसके हिसाब से करियर को चूज करना है। दूसरा स्टेप होता है, अगर आपने अपने आप को अच्छे से पहचान लिया तो आप करियर्स के बारे में जाने, क्योंकि आजकल बहुत से नए करियर्स हैं, इवेंट मैनेजमेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, आप नए करियर्स के बारे में जानिए। जानने के बहुत से रास्ते हैं, आप जान सकते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, टीवी के माध्यम से या न्यूज़पेपर में भी बहुत से आर्टिकल्स आते हैं। आप अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स या किसी भी बड़े प्रोफेशनल से पूछिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एक डॉक्टर से पूछिए उसकी लाइफ कैसी है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर एक दिन कैसे स्पेंड करता है। अगर आपको वो पता है और आप अपने आप को जानते हैं तो दोनों को मैच करना ही एक सही प्लानिंग का प्रोसीजर होता है। सब लोग बहुत बार सोचते हैं कैसे, तो ऐसे आपको प्लान करना है, आपको अपने आप को जानना है, करियर्स को पहचानना है और उनको फिट मैच बनाना है उनका। हम सबकी कोई ना कोई हॉबीज जरूर होती हैं कि हमें कुछ करना अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को पेंटिंग अच्छी लगती है, कुछ को डांसिंग अच्छी लगती है, तो सबकी कोई ना कोई हॉबीज होती हैं। तो क्या करियर के चुनाव में हॉबीज का कोई रोल है? करियर्स में हॉबीज का बहुत बड़ा रोल है। हॉबीज मतलब कि वो चीजें होती हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है, आप किसी के भी फोर्स के बिना वो करते हैं। अगर आपको पेंटिंग स्केचिंग में इंटरेस्ट है तो आप अपने आप से करते हैं, अपने फ्री टाइम में अपने आप से इनिशिएटिव लेते हैं वो करने के लिए। अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप उसको डेवलप करने का कोशिश करिए। अगर आपको स्केचिंग पसंद है तो आप डिफरेंट तरह की पेंटिंग सीख सकते हैं, उससे रिलेटेड करियर्स के बारे में बिल्कुल आप सोच सकते हैं। पर इसमें ख्याल रखने वाली बात यह है कि वो हॉबी जो है आप में किस लेवल पर प्रेजेंट है। स्केचिंग बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों की हॉबी होती है, पर जरूरी नहीं है कि सभी फैशन डिजाइनर बन जाए। तो आपको देखना है कि आपका लेवल कहाँ पर है, तभी आप उसको करियर बनाने का सोचिए। अगर आप गलती से आप सोचते हैं कि मैं तो पेंटिंग करता हूँ पर आप में वो स्किल्स नहीं है, वो आपका आपको अच्छा लगता है करना पर वो स्किल्स नहीं है, एबिलिटीज नहीं है, तो आप उस करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो आप केयरफुल असेसमेंट पहले अपनी करवाइए, उसके बाद आप उसमें करियर भी जरूर बना सकते हैं। जैसे आपने बताया कि गोल सेट करना या लक्ष्य निर्धारित करना करियर प्लानिंग में बहुत जरूरी है, तो गोल सेट हम किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह के गोल हम अपने लिए सेट कर सकते हैं? देखिए, गोल मतलब होता है लक्ष्य, जो आपकी जिंदगी का एम है, वो आपने बना तो लिया, पर जरूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन में अचीव करना है या एक साल या दो साल में अचीव करना है। गोल है जिसकी तरफ आपको चलते रहना है थ्रू आउट लाइफ। ये नहीं है कि आप दो तीन साल में फिर रुक गए या आपने कहा वो तो मेरे से हो नहीं रहा। तो आपको एक बड़ा गोल बनाकर बहुत से स्टेप्स जिनको कि शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं वो बनाने चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स आपके स्मार्ट गोल्स होने चाहिए जो कि आप इजीली अचीव कर सकते हैं, जिनको आप मेजर कर सकते हैं और टाइम होना चाहिए उनको अचीव करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने गोल बना लिया कि हमें 12th में 90% लाने हैं पर आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो तो कोई गोल नहीं हुआ। गोल के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। शॉर्ट टर्म गोल्स अपने हर वीकली और डेली बेसिस पर आपको उस गोल की तरफ कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए अपना इनपुट देना है, तभी आप उस गोल पर पहुंच सकते हैं। जब हम करियर की बात करते हैं तो हमारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब बहुत से लोग हमें प्रभावित करते हैं, जैसे माता पिता की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ऐसे में हम लोगों को किसकी सुननी चाहिए? देखिए, कहते हैं सभी, बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है, सुननी सबकी चाहिए, करनी अपनी चाहिए। सुनिए आप सबकी, क्योंकि ये सभी लोग आपको आपसे भी अच्छा जान सकते हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपके स्किल्स आपकी पर्सनालिटी को बता पाए जो कि आप खुद से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इन सब से हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स से, टीचर से। आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड होता है वो भी आपको हेल्प करता है आपको पहचानने में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला स्टेप होता है करियर प्लानिंग में अपने आप को पहचानना, तो ये सारे लोग आपको जरूर हेल्प कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, पर करियर डिसीजन सिर्फ आपका है और किसी का नहीं, वो डिसाइड आपको करना है।
आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरह के हैं, आपको किस तरह का करियर चूज करना चाहिए, तो आप करियर काउंसलर्स की हेल्प कर ले सकते हैं। काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर टू रीजंस। पहले ऐसे है कि आजकल ऐसे जमाना है कि इतने सारे करियर्स निकल गए हैं, खूब सारे नए नए करियर्स आ रहे हैं, एंड ऑल्सो सम ऑफ द ओल्ड करियर्स आर नॉट अवेलेबल। सो आई थिंक कीपिंग दीज रीजंस इन माइंड, बच्चों को ये नहीं मालूम है कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कौन सी करियर्स में जाएं। और सो आई थिंक बिकॉज ऑफ द स्पर्ट इन करियर्स, दैट्स वन रीजन। सेकंड रीजन इज बिकॉज ईच एरिया हैज बिकम सो स्पेशलाइज्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बच्चे अपने अपने एबिलिटीज की जानकारी हो जाए, ताकि उनको मालूम हो जाते कि विच करियर्स इज द बेस्ट मोस्ट सूटेबल फॉर मी टू गो इनटू। सो फॉर बोथ दीज रीजंस इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव करियर काउंसलिंग, बिकॉज देन यू हैव द फैसिलिटीज ऑफ अ ट्रेन्ड पर्सन हु कैन हेल्प यू बोथ विथ आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ, योर एबिलिटीज, आपकी अपने आप की सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, एंड सेकेंडली टू गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट करियर्स। काउंसलर्स आपकी हेल्प करते हैं टेस्ट के द्वारा और आपसे बातचीत करके इंटरव्यू के द्वारा। ये बहुत तरह के टेस्ट होते हैं, जैसा कि आपने भी सुना होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंटरेस्ट होता है, पर्सनालिटी होता है। तो इस तरह के टेस्ट ये टूल्स होते हैं जिससे कि आप अपने आप को जान पाए। अगर आपको कुछ मेजर करना है, कुछ नापना है, तो कुछ टूल तो यूज करेंगे ही ना। उसी तरह से ये भी एक टूल्स होते हैं आप जिनसे अपने आप के बारे में जान सकते हैं। तो आप पेरेंट, टीचर्स, पीयर्स सबकी सुनिए, काउंसलर्स की हेल्प लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे आपको अपने आप को पहचानने में और करियर्स को एक्सप्लोर करने में। उसके बाद आप खुद डिसाइड करिए अपने मोटिवेशन अपने हिसाब से कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। ये तो आपने बताया कि आपको खुद को पहचानना जरूरी है और अपना सुनना जरूरी है, पर एक समय जरूर होता है जब बच्चे क्लास में होते हैं और क्लास में जब पूरे ग्रुप में अगर एक किसी पर्टिकुलर फील्ड की तरफ बच्चे बढ़ने लगते हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, अगर पूरा ग्रुप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता है, तो जो पीयर प्रेशर का इश्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर उसी समय बच्चा बोलता है कि मैं सोशियोलॉजी या मैं सोशल साइंसेज में किसी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहूंगा, तो शायद उसको ये समझा जाता है कि वो पढ़ाई में अच्छा है ही नहीं, इसलिए इसने ये ऑप्ट किया। तो ऐसे में आप जो बच्चों को जब काउंसिल करते हैं तो क्या काउंसलिंग होती है उनकी? देखिए, पीयर प्रेशर डेफिनेटली बहुत बड़ा इशू है। उसमें ऐसा होता है कि अगर आपको लगता है कि आपके आपका पूरा ग्रुप इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, तो आप सोचते हैं चलो मैं भी दे देता हूँ। हो सकता है आप एग्जाम दे दें, आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाए और आपका इंजीनियरिंग भी हो जाए, पर उसमें चांसेस होते हैं कि अगर वो इंजीनियरिंग आपकी एबिलिटीज से मैच करता है तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे, वरना हो सकता है 10 साल बाद भी आपको लगे कि मैं गलत एरिया में हूँ, क्योंकि आपको वहां पर शायद सेटिस्फेक्शन नहीं हो। तो आपको देखना है, पीयर प्रेशर को हैंडल करने के लिए अपने आप को जानिए। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, ये प्रेशर आपको इन्फ्लुएंस करते रहेंगे, क्योंकि आपको अपनी पहचान उतनी स्ट्रांग अभी तक नहीं है। अगर आपकी अपनी पहचान स्ट्रांग होगी टेस्ट के द्वारा, काउंसलर्स के द्वारा, या आप अपने आप खुद से अपने एकेडमिक बैकग्राउंड से देखिए, आप उस तरह से अपने आप को पहचानिए, वो अगर स्ट्रांग होगा तो प्रेशर कोई भी उतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है। आपने बात की खुद को पहचानने की, जो कि बहुत जरूरी है अगर आप अपने लिए करियर प्लान कर रहे हैं, पर कई बार ये भी होता है कि हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाते हैं। हाँ। कभी हमें लगता है कि भाई हमारा ड्राइंग में इंटरेस्ट है, कभी अगर हम किसी को डांस करते हुए किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हुए लगता है कि हाँ हमारा इसमें इंटरेस्ट है, हम ये भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो एक बच्चा कई सारी चीजों की तरफ डाइवर्ट होता रहता है, तो अपने आप को भी पहचानने के लिए क्या प्रोसेस है, किस तरह से हम अपने आप को पहचान सकते हैं? देखिए, जैसे कि आप इंटरेस्ट के बारे में, हॉबीज के बारे में भी आपको बताया था, आपको देखना है कि वो लेवल पर वो चीज आप में है कि नहीं है। आपने आज इंजीनियर को देखा तो आप उसकी लाइफ से इन्फ्लुएंस हो गए, कल आपने मैनेजर को देखा तो उससे इन्फ्लुएंस हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं आपको अपने आप की पहचान उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। तो अपने आप को पहचानने के लिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी की हेल्प लीजिए, काउंसलर्स की हेल्प लीजिए, पेरेंट्स की, टीचर्स की हेल्प लीजिए, जो आपको पहचानने में जरूर हेल्प करेंगे। जब आप अपने आप को अच्छे से पहचान पाएंगे, उसके बाद आप करियर्स को एक्सप्लोर करिए और अपने करियर को मैच करिए अपनी पहचान से,
दूसरों की पहचान से नहीं। आप ये मत सोचिए कि अगर आपके फादर चाहते हैं आप इंजीनियर बने तो आप बन जाएं। आप उनके साथ बैठकर उनको भी बताइए कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, आपका करियर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और आप उसमें से पैसा चाहते हैं, क्रिएटिविटी चाहते हैं, चैलेंज चाहते हैं, ग्लैमर चाहते हैं, वो आपको ही डिसाइड करना है क्योंकि वो आपकी लाइफ है। तो देखा आप सभी ने, करियर की जहां हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उभर कर आती है वो ये कि खुद को पहचाने। चीन के सेनानी सुनजू ने रणनीतियों यानी वॉर स्ट्रेटजीज के बारे में लिखते हुए कहा है कि अगर आप युद्ध में अपने दुश्मन को नहीं जानते और अगर आपको अपनी शक्ति के बारे में नहीं पता तो आपकी पराजय निश्चित है, या फिर अगर आप अपने आप को जानते हैं और अगर आपको दुश्मन का मान नहीं है तो भी आपकी विजय तो होगी पर उसमें आपको भारी नुकसान होगा, पर अगर आप अपने आप को भी जानते हैं और अगर आपको दुश्मन की शक्ति का भी अंदाजा है तो आप निश्चित ही विजयी होंगे। और जहां तक करियर की बात है वो भी आपके लिए एक युद्ध भूमि के जैसा है जिसमें आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना है, जिसमें जो करियर ऑप्शंस आपके सामने हैं उनकी भी आपको पूरी खबर रखनी है। अगर आपके पास ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन है तो आप कोई भी करियर अगर चुनेंगे तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। जैसे हमने कार्यक्रम के शुरू में बात की थी कि राहें बहुत सी हैं, मंजिल आपकी एक ही हो सकती है, तो अपना लक्ष्य निर्धारित करें, पूरे संयम के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपनी राह पर चलते रहें, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। मीनाक्षी जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि जो बात आपने बताई बच्चे उनको जरूर ध्यान में रखेंगे और उनको सफलता जरूर मिलेगी।